हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वे प्रोटीन लेने से हमारा वेट गेन होता है, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेगा इस वीडियो को पूरा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आगे इस वीडियो में आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यूजुअली होता क्या है कि हमारे मन में डाउट रह जाता है स्टार्टिंग में, जब हम जिम विम शुरू करते हैं कोई चीज़, या कोई हम वेट गेन वगैरह जब कर रहे होते हैं, हमारे मन में एक डाउट रहता है कि अगर हमें वेट गेन करना है तो या तो हमें कैप्सूल खाना पड़ेगा या तो हमें कोई पाउडर खाना पड़ेगा। हम तीसरी चीज़ ये भूल जाते हैं कि हमारा खाना भी है जिसको हमें खा करके हमें वही रिज़ल्ट मिलेंगे जो हमें प्रोटीन से मिलते हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हमें खाने से ही मिलेंगे, क्योंकि जो प्रोटीन और सप्लीमेंट वगैरह है वो हमारे खाने से ही बनता है, ना कि हमारे वो प्रोटीन से खाना बनता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले वेट गेन कैसे होता है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट गेन मतलब कौन कौन से खानों से वेट गेन होता है। देखिए, वेट गेन किन खानों से होता है, जिन खानों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जो खाने कार्बोहाइड्रेट से रिच होते हैं, जो फूड कार्बोहाइड्रेट से रिच होते हैं, उनके थ्रू हमारा वेट गेन ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनसे हमें हाई कार्बोहाइड्रेट फूड से हमें कैलरीज ज़्यादा मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें फैट से कैलरीज नहीं मिलती, लेकिन एक गुड और बैड कैलरीज़ का भी रेशियो होता है। बैड कैलरी इन द सेंस मीन्स कि आपके कैलरीज़ का मतलब क्या आपका स्रोत है, मतलब किस क्या आपका बेस है, किससे आप कैलरीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक्सट्रैक्ट फैट से कर रहे हैं, आप एक्सट्रैक्ट प्रोटीन से कर रहे हैं, या आप एक्सट्रैक्ट कार्बोहाइड्रेट से कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके वो आपके मसल्स में लगेगा। नहीं तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, वो जो आप जो भी आप अपनी बॉडी में डालेंगे, चाहे वो फैट हो प्रोटीन हो, वो उसके अकॉर्डिंगली सेट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए हाई प्रोटीन खाएंगे और उस आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ना हो ना फैट हो, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं, आपकी बॉडी वैसे ही रिटेन रहेगी, ना आपके बॉडी में साइज़ बढ़ेगा ना आपका वेट बढ़ेगा। वहीं आप प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, लो फैट्स लेंगे, तो वहाँ पे आपको अपना मसल मास देखने में बड़े प्लस पॉइंट आपको दिखेगा कि आपका मसल मास गेन हो रहा है, साथ में आप फिट हो रहे हैं, आपके हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपके नेल्स अच्छे हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आपको वेट गेन करना है तो वहाँ पर आपका वे प्रोटीन काम नहीं आएगा, वहाँ पर आपका काम आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, जिस चीज़ में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो। आप मान लीजिए वे प्रोटीन अगर मैं आपको बताऊं पर सर्विंग, जैसे आपको एक बजट फ्रेंडली लीजिए, चाहे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लीजिए, चाहे आइसोलेट लीजिए, चाहे हाइड्रोलाइज लीजिए। हाइड्रोलाइज तो बहुत टॉप क्वालिटी का हो गया, वो तो एथलीट वगैरह यूज़ करते हैं। हमारे आसपास ज़्यादातर क्या होता है, हमारे आसपास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट ही यूज़ करते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेट भी यूज़ करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट में 33 ग्राम में आपको 24 ग्राम के आसपास प्रोटीनों से मिलता है और 5 से 6 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट देखिए 33 ग्राम में कितना मिलता है, 250-300 ml की एक लिक्विड ड्रिंक छोटी सी, जिसके अंदर आपको 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। और वही मास गेनर होता है, मास गेनर कैसे वेट बढ़ाता है, वही मास गेनर में आपके 300 ml के अंदर 75 ग्राम की सर्विंग और 300 ml आप मिल्क लेंगे, उसके अंदर फुल क्रीम मिल्क या डबल टोन मिल्क वहीं आप लेते हैं, उसमें आपको करीब करीब 65 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको 300 ml के अंदर मिल जाते हैं। अब रेशियो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा आपको मल्टीपल होकर के आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। तो सिंपल सी बात यही है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने के कारण आपका वेट गेन होता है जब आप मास गेनर लेते हैं, तो वहीं आप वे प्रोटीन लेंगे तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा। अब आपके मन में एक ये डाउट होगा कि बाकी सारे लोग क्यों वे प्रोटीन लेते रहते हैं, कहते हैं भाई वेट बढ़ाना है तो वे प्रोटीन खाओ, वो अकेले वे प्रोटीन नहीं खाते हैं, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी वो वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं साथ में उनकी डाइट इतनी स्ट्रांग होती है, वो इतना जो भी वेजिटेरियन भी होगा, अगर वो वेजिटेरियन हुआ तो सबसे बड़ी बात उसके डाइट में सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा होंगे जिसकी अच्छी खासी बॉडी है। ओके, या तो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक फ्रीक अलग बात होगी, लेकिन वैसे हो गए तो प्रोटीन वगैरह बहुत लेते हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए जो नॉन वेजिटेरियन है उनके साथ वो चिकन लेग पीस, बीफ, चिकन लिवर, चिकन ब्रेस्ट और फिश वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनकी 200 ग्राम 250 ग्राम प्रोटीन इनके इनटेक होती है, तो उसके हिसाब से उनके लिए मसल मास गेन करना और बॉडी में फैट कम रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपके मन में डाउट हो कि वे प्रोटीन से हमारा वेट गेन होता है कि नहीं होता, अब आपको पता चल गया हो, क्योंकि वे प्रोटीन में आप अपने पैकेट घुमा के देखिए, अगर अभी भी आपके पास होगा तो उसमें आप सिंपल पलट के देखिएगा कि उसमें आपको कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलने हैं। कोई भी ऐसा वे प्रोटीन नहीं है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स हाई मिलते हो। सब चीज़ों को जोड़ करके, सारी चीज़ों को डाइट वगैरह को मिला करके, आपके प्रोटीन सप्लीमेंट से लेकर के आपकी जो भी डाइट है, चाहे आप कुछ भी खा पी रहे हैं, उन सबको जोड़ करके आपके पूरा जो भी आपका गोल है वो डिपेंड करता है, ना कि केवल एक सप्लीमेंट से। आप चाहे साल भर भी मास गेनर ले लीजिए, मैं मास गेनर की बात कर रहा हूँ, तब भी आपका वेट गेन नहीं होगा, जहाँ अगर आपकी डाइट अच्छी ना हो तो।
तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहता था, उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि क्या वे प्रोटीन से आपका वेट गेन होता है या नहीं। पहले स्टार्टिंग में मुझे भी डाउट था, लेकिन अब वो डाउट धीरे धीरे करके क्लियर हो गया जैसे जैसे पढ़ाई करी, चीज़ों को जाना। अब जैसे मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा माइंड में अपने कि कोई भी सप्लीमेंट है उससे आपका वेट गेन या कुछ नहीं होगा जब तक आपकी डाइट अच्छी ना हो। एट द एंड हमारी डाइट ही सब कुछ है। कहीं आप बाहर जाएंगे, आप वे प्रोटीन कहीं लेके नहीं घूमेंगे, कहीं ख़त्म हो गया तो कहाँ वे प्रोटीन ढूंढते फिरेंगे? नहीं, वहाँ पर आपकी डाइट ही काम आएगी। अगर आप मसल बिल्ड करेंगे, वहाँ आप अपना मसल अगर रिटेन रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको नेचुरल फूड जितना हो सकता है, स्प्राउट्स खाएँ, दाल खाएँ और जो भी आपकी चीज़ें होती हैं नेचुरल, उन सब खाएँ, उन पर सब पे ट्रस्ट करें, वही आपकी बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग रखेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको अपना आंसर मिल गया होगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट है डाइट के रिगार्डिंग, की डाइट कैसे प्रिपेयर करना है, मीन्स डाइट चार्ट के रिगार्डिंग, डाइट मतलब क्या क्या खाएं, कौन कौन से फूड खाएं, कब खाएं, क्या क्या खाएं, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। यहाँ पे आपको साइट पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम का वो आईडी का नेम, उसको आप जा करके वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करिए। वहाँ पे मैं आपको आपके अकॉर्डिंगली आपके हाइट, वेट और आपके डेली वर्क के अकॉर्डिंग आपके लिए मैं फ्री में डाइट कस्टमाइज़ करके आपको दे दूँगा। आप उसको कंज्यूम करिएगा और आप अपने गोल को अचीव करिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।